हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरोक्स ट्रिपल सिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस, आज मैं देखने वाली हूँ कि आपके पार्टनर के साथ आपका कैसा भविष्य है, लेकिन पहले उससे क्या करना पड़ेगा, मुझे आपका पास्ट और अभी क्या चल रहा है वो देखना पड़ेगा, उसके बाद आपका फ्यूचर बताऊँगी। ठीक है, तो आज पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एक रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, और इसी टॉपिक पर मैंने एक शॉर्ट भी डाला है, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो होती है जो शॉर्ट्स में डालती हूँ, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारी रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर आपके पार्टनर के साथ क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग से हम देखते हैं कि आपका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। ठीक है, आप अगर रीडिंग पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए। ऑलराइट, तो शुरुआत जब आपकी आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, अब ये सबके लिए डिफर करेगी कब से स्टार्ट हुआ था, उस टाइम से देखिएगा कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके पास्ट के लिए एनर्जीज़ निकालूंगी कि आपका पास्ट कैसा था। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स का पास्ट कैसा था, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के साथ इनका पास्ट क्या था। जनरल रीडिंग है, सबसे मैच नहीं करेगी, इसलिए जितना आपसे मिले उतना ही कीजिएगा लीजिएगा। ठीक है, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पास्ट को बताइए। ओके गाइज, रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी सुन लीजिए, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करेंगे। एक तो इंस्टाग्राम पे मेरे रील्स ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे फॉलो करना चाहते हैं तो बिल्कुल, रील्स आपको बहुत ज़्यादा मतलब एडवाइस देगी, हेल्प करेगी आपको रिलेशनशिप में। और मेरा फेसबुक पेज भी है, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं आप। ठीक है, तो दोनों पेज को और इंस्टाग्राम को मुझे फॉलो आपको ज़रूर करना है। ठीक है, इस चैनल पर नए हैं तो याद रखिए कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है, लाइक करते हो तो सब्सक्राइब आपको बहुत ज़रूरी करना है। लाइक में कुछ भी नहीं जाता, सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं उसमें भी आपको कोई मनी नहीं लगता। ठीक है, तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, आपको कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सअप नंबर, आप बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, पूरी डिटेल आपको मिलेगी और बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे मिलेगी। ठीक है, विदेश में है तो ध्यान रखिए, वहाँ से मनी ट्रांजेक्शन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और कहीं ना कहीं मतलब जैसे बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस वहाँ भी आप मिलेंगे। ठीक है, आप जैसे तुलनात्मक रूप से देखें तो भी मेरे रीडिंग्स के चार्जेस बहुत मतलब जैसे जितनी मेहनत करती हूँ आप देखिएगा उसके अकॉर्डिंग बहुत सही है मेरे जो मेरे रीडिंग्स के जो चार्जेस है वो। ठीक है, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। और कई लोग कहते हैं कि आप वाकई में बहुत ज़्यादा चार्ज करते हो, तो मैं यहाँ पे उस चार्ज के बदले जो मेहनत होती है, जो कंक्लूजन आपके रीडिंग्स का होता है, जो डिटेल्ड रीडिंग मिलती है वो कहीं और आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा गाइस। ओके, ठीक है, अगर ट्रस्ट करेंगे तभी तो आपको मालूम चलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग में मैंने टॉपिक लिया है कि आपका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले पास्ट की एनर्जी देखेंगे हम। ठीक है, शुरुआत से जब आपका रिलेशनशिप चला था, जब आप दोनों की क्या एनर्जी थी, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या थी, अब क्या है और अब आगे क्या होने वाला है। ठीक है, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। पास्ट में जब मेरे रिवर्स का रिलेशनशिप शुरू हुआ तब आप दोनों की एनर्जीज क्या थी। ओके, टू कार्ड्स लेंगे हम। ओके, पास्ट की एनर्जी के लिए टू कार्ड्स दीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ वॉन्स एंड सेवन ऑफ सॉर्ड्स, आप दोनों की एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की है, ये आपकी आपकी है। ठीक है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें, प्रेजेंट की एनर्जीज बताइए, प्रेजेंट में क्या है, अभी क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी, फिर मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, अभी क्या चल रहा है, प्रेजेंट की एनर्जी क्या चल रहा है, इन आपके पार्टनर की एनर्जी या आपकी एनर्जीज। ओके, फ्यूचर में क्या होने वाला है, आने वाले फ्यूचर में यानी कि कुछ महीनों में। ठीक है, फ्यूचर में क्या होने वाला है यूनिवर्स गाइड कीजिए, कैसी एनर्जी रहेगी, रिलेशनशिप की एनर्जीज कैसी रहेगी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए, फ्यूचर में क्या रहेगा, फ्यूचर डेथ द वर्ल्ड। वाह, बहुत अच्छी एनर्जीज है क्योंकि दोनों ही मेजर आर्कना। और देखिए यहाँ पे आप दोनों की जैसे कहते हैं ना लवर्स का कार्ड है, डेफिनेटली आपकी प्यार मोहब्बत बहुत अच्छा, मतलब आपकी कोई जर्नी भी हो सकती है लेकिन जर्नी का जिक्र मैं नहीं करती हूँ। ठीक है, हम प्रैक्टिकल ज़माने में हैं, कलयुग में हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा विश्वास करती हूँ मैं। ठीक है, ये जर्नीज़ वगैरह होती हैं, यस मैं मानती हूँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं पहचानी नहीं जाती, सोलमेट ट्विन फ्लेम होते हैं ना, इनको कोई भी नहीं पहचान सकता। ठीक है, लिटरली इनकी इतनी लॉन्ग जर्नी होती है कि उसको पहचानना, उसको बिल्कुल जैसे कहते हैं ना जिस पर ठप्पा लगाना, वो चीज़ कभी भी कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं इस बारे में आपको
नहीं बताऊंगी, मैं प्रैक्टिकल सोच पे चलती हूँ। और देखिए यहाँ पे क्या है, लवर्स का कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी डेफिनेटली कोई जर्नी है या नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी, लेकिन यस आप एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन प्यार में आपके चॉइसेस हैं, डेफिनेटली चॉइसेस हैं। ये आपकी दोनों की जैसे कहते हैं ना म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, ठीक है। आपके पास भी चॉइसेस हैं, आपके पार्टनर के पास भी चॉइसेस हैं, ठीक है। लेकिन आप एक दूसरे के प्रति बहुत समर्पित हो, ये देखिए, ठीक है। जैसे आप और एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षण है, बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हो, जैसा किसी और के साथ फील नहीं करते हो। ये आपकी म्यूचुअल एनर्जीज मैं बता रही हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या है। देखिए सबसे पहले पास्ट की बात करते हैं, और आप कहोगे आप स्टार साइन बता दो, तो स्टार साइन तो बारी बारी से सभी आ जाएंगे, ठीक है। नहीं भी आते हैं तो जनरल रीडिंग है उसी तरह देखिएगा, लेकिन मैं स्टार साइन बताऊंगी गाइज, ठीक है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे लगता है कोई जेमिनी है, कोई लियो है, ठीक है, स्कॉर्पियो, टॉरस है, एक्वेरियस, ठीक है, ये स्टार साइन है। इसके अलावा भी कोई भी स्टार साइन अभी भी आ सकते हैं और कार्ड लूंगी तो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा जनरल रीडिंग के अकॉर्डिंग सोचना है, ठीक है। तो आपका पास्ट यानी कि शुरुआत थी जब आपके रिलेशनशिप की, तो आपका कैसा रिलेशनशिप था, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, यानी कि आप बहुत खूबसूरत हो, आपको देखकर इनको पैशन होता था, आपको देखकर ये जैसे कहते थे ना कि कोई देखता ही जाता था, आपके साथ फ्लर्ट करने की इच्छा होती थी, ठीक है। लेकिन ये आपका अपने आप को कंट्रोल में रखते थे, लेकिन चाहते थे कि आपसे एक बार बात ज़रूर करें, ठीक है। इनकी तरफ से इशारे वगैरह इस तरह की कोई हरकतें होती थी, जैसे कोई जेस्चर कर रहा है, कोई आपको जैसे फ्लर्ट एनर्जी थी इनकी तरफ से, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। लेकिन एक मैच्योर लेवल पर था, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि आप बहुत ज़्यादा एकदम ओपन हो के किसी को प्रपोजल कर रहे हो या इस तरह का कुछ भी नहीं मैं देख पा रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैच्योरिटी थी। ये इंसान आपके लिए एक्टिव होना चाहता था, आपके लिए बहुत पैशनेट था, आप इनको बहुत खूबसूरत लगते हो, ठीक है। लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने मैच्योरिटी लेवल पर अपने आप को रखते थे, ठीक है, यानी कि लिमिटेशंस में, ठीक है। लेकिन ये आकर्षण बहुत थे आपसे, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्या सिचुएशन थी, आप किसी सिचुएशन से निकल रहे थे, आपके आसपास कोई ऐसी सिचुएशन चल रही थी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, आप इनको देखते थे तो शायद आपको गुस्सा आता था कि इंसान क्यों ऐसे जेस्चर करता है, क्यों मुझे फ्लर्ट कर रहा है, क्यों मुझे छेड़ रहा है, ठीक है। इस तरह से आपकी एनर्जी थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी सिचुएशन से निकलने के लिए आपका ध्यान जो है ये इंसान में डाइवर्ट होता जा रहा था, ठीक है। कहीं ना कहीं इसके जो जेस्चर थे या फिर इनकी जो प्रवृत्ति थी आपको लाइक करने की थी, ठीक है। इनके जो मतलब जैसे कहते हैं ना तौर तरीके ऐसे थे जो आपको जैसे कहते हैं धीरे धीरे लुभाने लगे थे, ठीक है। इस तरह से यानी कि आप किसी सिचुएशन से दुखी तो थे, वहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन आपका जो माइंड डाइवर्ट किया इस इंसान ने डाइवर्ट किया, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इनके बारे में सोच के कहीं ना कहीं आपको मुस्कुराहट आती थी, ठीक है। इस तरह से आप मतलब ऐसा सोच कोई सिचुएशन थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लग रहे थे, लेकिन ये आपके साथ फ्लर्ट करने के लिए सीरियस थे, ठीक है। लेकिन एक मैच्योरिटी के लेवल के साथ, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ देख पा रही हूँ आप दोनों की उम्र काफ़ी मैच्योर आप लोग लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन सबके साथ मैच नहीं होगा। यहाँ पे एट प्रेजेंट क्या देख पा रही हूँ मैं, एट प्रेजेंट देखिए मुझे ऐसा लगता है कि एट प्रेजेंट आप एक दूसरे को सच बोलते हो, ठीक है, कभी भी झूठ नहीं बोलते हो। एट प्रेजेंट आप में हिम्मत और ताकत है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए श्योर हो, ठीक है। ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हो कि क्या सर्कमस्टांस है, क्या है, आपके पार्टनर आपको सच बोलते हैं, आपको इनके पे यकीन भी है, और कहीं ना कहीं आप जो है कहीं ना कहीं अपनी विश इनसे पूरी करना चाहते हो। आपकी बहुत सारी विशेज जुड़ी हुई हो, लेकिन हो सकता है कि आप कहते नहीं हो, ठीक है, क्योंकि आपसे आपके पार्टनर सच बोलते, झूठ नहीं बोलते, आपको इस बात का यकीन है, ठीक है। आप इन पे ट्रस्ट करते हो, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, आई डोंट नो, डिस्कस नहीं करूंगी, आपको पता है, ठीक है, उसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे सच बोल चुके हैं, जो भी सिचुएशन है, जो भी सर्कमस्टांस है, आपके पार्टनर सच बोल चुके हैं, क्योंकि इनको हिम्मत और ताकत आ गई है, अब आपके लिए श्योर है, आप इनको छोड़कर नहीं जाओगे चाहे कोई भी सर्कमस्टांस हो, तो आपको सच बोल चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि आप इनके ऊपर भरोसा करते हो, आप इनके साथ कोई जैसे विश फुलफिलमेंट वाला कार्ड है, आप इनको अपनी विश मानते हो, यानी कि आप भी बहुत पसंद करने लगे हो इनको, ठीक है। एट प्रेजेंट आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति बहुत समर्पित हो, ऐसे मैं देख पा रही हूं। आगे आने वाले कुछ महीनों में क्या हो सकता है, देखिए मैं ऐसा लगता है कि आगे आने वाले महीनों में मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं किसी को छोड़ने की सोचें और आपके साथ कनेक्ट होने की सोचें, सबके लिए डिफर करेगी ये बातें भी, ठीक है। कोई मैरिड इंसान है, कोई कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, कोई थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि आप हमेशा आप देख पा रहे हैं करियर भी होता है, मदर भी होते हैं, फैमिली होती है, ठीक है, सब चीज़ अलग अलग होगी सबके लिए, लेकिन ये कुछ चीज़ों को छोड़कर आपके लिए बदल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान में ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ आपकी वजह से ही आ रहा है, ठीक है। बहुत सी बातों को इन्होंने
इन्होंने प्रैक्टिकली सोचना शुरू कर दिया और ये अपने मन से सोचते हैं। एक्चुअली इनकी जो गट फीलिंग कहती है आपके लिए वो बिल्कुल सही कहती है, और ये डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आना यानी कि बदलाव। बदलाव हर किसी को जैसे सहन नहीं होते, क्योंकि सब लोग अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहते, लेकिन ये इंसान अपने आप को वाकई में बदलना चाहता है या अपने कम्फर्ट लेवल से बाहर आना चाहता है, यानी कि जो रूटीन इनका चल रहा था उससे बाहर आना चाहते हैं, आपके लिए बदलना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपने इनको जीवन जीना सिखाया। ठीक है, बहुत सारी बातें ऐसी सिखाई जिनमें ये शायद इनको पहचानते भी नहीं थे, ऐसी बातें जो कि व्यवहारिक तौर पर बहुत ज़रूरी है, उन चीज़ों को आपने सिखाया, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बदल रहे हैं और आपके लिए कुछ आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हो? आप भी इनके साथ एक नया शुरुआत करना चाहते हो, ऐसे ही एक ऐसा साइकिल शुरू करना चाहते हो जो कि वाकई में सक्सेस दिलाए आप दोनों को। ठीक है, यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है, आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो आपके आप जो है इनसे मिलना चाहते हो, आप इनसे एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हो और आप दोनों ही एक दूसरे के सेम पेज पे हो, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, और क्या है आपके रिलेशनशिप में जानने के लिए वो देख लेते हैं। ये आपका फ्यूचर है, लेकिन हम फ्यूचर फिर भी देखेंगे। ठीक है, आपकी पास्ट की एनर्जी को और देखते हैं। ठीक है, और क्या है यूनिवर्स पास्ट में क्या था हमें बताइए, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या थी और इनके पार्टनर की एनर्जी क्या थी, यूनिवर्स गाइड कीजिए। जब शुरुआत में इनका रिलेशनशिप था तो कैसा था और क्या जानने की ज़रूरत है हमको, एनर्जीज बताइए पास्ट की, यूनिवर्स गाइड कीजिए, एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिएगा। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन डोर टू स्पिरिट, वाह बहुत अच्छी एनर्जी है। सबसे पहले इसी को एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, आपके पार्टनर आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते थे, अभी भी देखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये इंडिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, अपने सेल्फ लव करने वाले, किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है, लेकिन आप व्यवहारिक तौर से सबको पसंद आने वाले व्यक्ति हो। ठीक है, तो आपके पार्टनर इसीलिए आपसे अट्रैक्टेड थे क्योंकि आप गुड लुकिंग हो, आपके ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, आप जो भी करते हो उसमें इंडिपेंडेंट हो, आप किसी के मोहताज नहीं हो, यानी कि कहीं ना कहीं आप कोई जॉब वगैरह करते हो या कोई घर से कोई काम करते हो, तो आपकी जो थे ना, आपकी जो छवि इनके दिमाग में बहुत अच्छी थी, यानी कि आप बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते थे आपके पार्टनर, और आपके पार्टनर आपको डेफिनेटली अप्रोच करना चाहते थे क्योंकि आपके जैसा कोई नहीं लगता था इनको। ठीक है, आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखा है इन्होंने और रेस्पेक्ट भी आज भी करते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है यहाँ पे आप क्या था, आप एक स्पिरिचुअल लेवल पर बदल रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि आप में एक भारी भरकम बदलाव आ रहा था और आप इस बदलाव के कारण जो क्या है स्पिरिचुअल चीज़ों को समझने लगे हैं। आप भावनात्मक तौर से तो थे ही, डेफिनेटली बहुत अच्छे तो थे ही, इंडिपेंडेंट तो थे ही, लेकिन आपने अपने आप में वो बदलाव देखे हैं जो कि वाकई में आपको चाहिए थे। ठीक है, ग्रोथ के लिए आप में बहुत सारे बदलाव आपने इस कनेक्शन के बाद ही देखे हैं। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है आप बदलाव से गुजरे हो और आप वाकई में कुछ बन के दिखाया आपने, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, बहुत बड़ा चेंज आप में आया है। ठीक है, चलिए देखते हैं एट प्रेजेंट क्या है, ये शुरुआती बात है, चलिए देखते हैं अभी एट प्रेजेंट क्या एनर्जीज आप दोनों की, आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए, एट प्रेजेंट की एनर्जीज बताइए, प्रेजेंट की एनर्जी, मैन होल्डिंग अ कॉइन और रेस्ट एंड रिजर्वेशन। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी अभी की एनर्जी आपके पार्टनर की ये है, ये वाली। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर का फोकस अपने करियर पे है, ये स्ट्रांग फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि अपने जैसे कहते हैं ना किसी मुकाम पे आपको कुछ शो करना चाहते हैं, कुछ बन के दिखाना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ पे इनकी ग्रोथ, इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप इससे शायद इम्प्रेस होते हो, या फिर ऐसा लगता है कि देखिए यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन और या वुमेन होल्डिंग अ कॉइन है, ये डेफिनेटली आपकी तरह ही कुछ बन के दिखाना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर आपसे रीडिंग मैच करती है ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और लाइक के साथ सब्सक्राइब करना है गाइज, ओके। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ शो करके दिखाना चाहते हैं, बन के दिखाना चाहते हैं कि मैं भी कुछ हूँ, अगर आप अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ कर सकते हो तो मैं भी कुछ बन के दिखा सकता हूँ। ठीक है, आप रेस्ट की पोजीशन पे हो, कहीं ना कहीं आप हीलिंग चाह रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो लोगों को हील करता है, इवन आप इंडिपेंडेंट हो, बहुत सेल्फ रेस्पेक्ट करते हो और सेल्फ लव कर रहे हो, तो डेफिनेटली फिर भी इसके बावजूद भी आप जो है कहीं ना कहीं हीलिंग वाला कोई काम करते हो जो लोगों को, हो सकता है कि आपकी बातें, अगर आप कोई ऐसा काम नहीं करते हो तो आपकी बातें लोगों को हील करती है, तो वही आप काम कर रहे हो, कहीं बोलने का, कहीं समाज सेवा या कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो लोगों को हील करता है, लोगों को मतलब आजकल क्या है बहुत दुनिया में टेंशन रहती है, तो आप ऐसा कुछ काम करते हो जो उसने टेंशन से दूर भगाता है। ठीक है, लिटरली कोई हीलिंग वाला काम आप जानते हो या तो, ठीक है, या फिर ऐसा कोई समाज सेवा वाला काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये मुझे आज प्रेजेंट की लग रही है। ठीक है, आप इनके लिए वाकई में बहुत अच्छा सोचते हो और आपके दिल में भी इनके लिए रेस्पेक्ट है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। चलिए और देखते हैं भविष्य में क्या है, कुछ महीनों में आपके रिलेशनशिप में एनर्जीज क्या रहेंगी,
फ्यूचर क्या है रिलेशनशिप में, यूनिवर्स आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। ओके, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट जर्नी। ओके, और यहाँ पे जस्टिस। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं वो या तो ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर कुछ ना कुछ है। देखिए मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर की तरफ से कि आपके पार्टनर आपको दिल तो दे बैठे हैं लेकिन कोई ना कोई फैमिली इश्यूज़ भी हैं। डेफिनेटली ये फैमिली इश्यूज़ को ख़त्म कर देना चाहते हैं या फिर कोई फैमिली इशू चल रहा है तो उसको ये डेफिनेटली ख़त्म करने के कगार पे हैं। ये आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके लिए दिल इनका सिक्योर है। ये जहाँ कहीं भी अटके हुए हैं तो वहाँ पे इनका जिस अटैचमेंट तो है लेकिन कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट है, आपसे दिल से कनेक्ट है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो ये फैमिली इश्यूज़ को ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये आपका दिल संभाल के रखा है, यानी कि आपकी रिलेशनशिप तो कहीं नहीं जा रही लेकिन इनके कहीं ना कहीं इर्द गिर्द फैमिली इशूज़ रहेंगे। हो सकता है आपके कारण, हो सकता है आपके कारण नहीं किसी और कारण से इनके फैमिली इशूज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन भी ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपकी क्या स्थिति रहेगी आने वाले टाइम में? आप डेफिनेटली एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे। आप हो सकता है कि कहीं शिफ्टिंग चल रही है, कहीं घर बदलना, कहीं अपना वर्क बदलना, अपने जैसे ऑफिस या किसी का एनवायरनमेंट चेंज होना, ठीक है, या फिर कोई लिटरली ट्रांसफ़र हो रहा है किसी का, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपसे जितना मैच करे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर ये नहीं है सब कुछ ऐसा भी तो लिटरली कहीं ना कहीं आप इनके साथ एक नई शुरुआत करते हो नज़र आ रहे हो। ठीक है, इवन फैमिली इशूज़ देख पा रही हूँ, आप किसी चीज़ को हील करना चाहते हो, आप इनके साथ एक नया जैसे कहते हैं ना एक नया फेज शुरू करने वाले हो। यहाँ भी वही एनर्जी है, यहाँ भी वही एनर्जी है। वर्ल्ड का कार्ड, यस, आपका कोई एक नया फेज शुरू होने वाला है, आपके रिलेशनशिप में एक नया दौर आने वाला है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए श्योर हो लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी के लिए आप डेफिनेटली अपने आप को स्टक मानते हो। आपके पार्टनर की तरफ से फैमिली इश्यूज़ आ रहे हैं लेकिन आप कहीं ना कहीं कोई नई जर्नी स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, चलिए और देखते हैं करंट एनर्जीज़। करंटली आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं और फिर देखेंगे कैसा भविष्य चाहते हैं आपके साथ। यूनिवर्स गाइड कीजिए, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा ये भी देखेंगे। ठीक है, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। करंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए कैसी फीलिंग्स हैं करंटली, इनके पार्टनर की फीलिंग्स बताइए, करंटली क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। सेवन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, हर्मिट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स, आपके पार्टनर आपसे डीप कनेक्शन में जाना चाहते हैं और आपका प्यार चाहते हैं, इसी के लिए डिसाइड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगेन ये कहीं ना कहीं सेवन ऑफ कप्स यानी कि बहुत ज़्यादा ऑप्शन को लेकर या अपनी फैमिली ड्रामा को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास ऑप्शन है या आपके पास आना चाहते हैं लेकिन कन्फ्यूजन है क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई हार्ट ब्रेक मिला है इनको पर्सनल लाइफ में। कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक से बाहर आना चाहते हैं, अपनी हीलिंग चाहते हैं, आपके लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। ऐसा लगता है एट प्रेजेंट ये बहुत ही पेशेंस चल रहे हैं लेकिन आपका प्यार, आपकी केयर करना चाहते हैं। एक्चुअली इंसान वाकई में आपको दिल से प्यार करना चाहते हैं, इनसे दिल से दिल जुड़ा हुआ है ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। स्पिरिचुअली तौर से आप कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट फील करते हैं, आप डेफिनेटली इनको जो प्यार करते हो इनको फील भी होता है कई टाइम। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके प्यार चाहते हैं, आपसे नर्चर होना चाहते हैं और इसके लिए पेशेंसली वेट करें कि कोई रास्ता निकले, कोई ऐसी चीज़ निकले जिससे कि आपका प्यार इनको मिले। ठीक है, आप सर्कमस्टांस सबसे अलग होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपके साथ सेलिब्रेशन, आपके साथ पार्टनरशिप को डीप लेवल तक ले जाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डेविल एनर्जी है, ये टॉक्सिक कनेक्शन में है लेकिन ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, आपको ये छोड़कर कभी नहीं जा सकते और आपके लिए जैसे कोई रह नहीं पा रहा, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। ठीक है, चलिए और देखते हैं कि आपके साथ ये कैसा भविष्य चाहते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, किस तरह का भविष्य इमेजिन करते हैं आपके साथ आपके पार्टनर। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, क्या भविष्य है इनका, चलिए इसमें देखते हैं। ऑल राइट, दूसरी डेक से भविष्य देखेंगे हम। यूनिवर्स ये कैसा भविष्य इमेजिन करते हैं या कैसा भविष्य, क्या रिश्ता चाहते हैं, किस तरह का भविष्य देखते हैं इनके साथ, क्या करना चाहते हैं रिलेशनशिप में। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या चाहते हैं। देखिए यहाँ वर्गो को ही स्ट्रांगली लग रहा है, ठीक है, और मैंने आपको स्टार साइन बता ही दिए हैं, वर्गो के अलावा सभी स्टार साइन हैं। ठीक है, स्पेशल जो दिखाई दे रहे हैं वो है स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस, वर्गो, लियो। ठीक है, ये वाले स्टार साइन हैं। यूनिवर्स कैसा भविष्य देखना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आगे, कैसा रिलेशनशिप हो इनका। यूनिवर्स गाइड कीजिए, इनके पार्टनर क्या चाहते हैं, कैसा भविष्य देखते हैं, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आता है। ऑल दैट ग्लिटर, व्हाई टू बी फेयर एंड नो प्लेस लाइक होम।
पीस। देखिए आपके साथ इनका भविष्य जो है उनका कुछ अता पता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी डिसाइड नहीं कर पाए कि आपके साथ कैसा रिश्ता चाहिए, लेकिन फिर भी इनकी एनर्जी कैसा भविष्य देखते हैं, आपके साथ क्या चाहते हैं, आपके साथ कैसा रिलेशनशिप चाहते हैं। तो मैं भविष्य के बारे में यानी कि कुछ महीनों की बात है, बहुत आगे तक नहीं सोच रही हूँ मैं, ठीक है। लेकिन ये रीडिंग जो कार्ड एनर्जी है चेंज होती रहती है, ठीक है। तो हम कुछ महीनों के लिए आपका भविष्य देख रहे हैं, ठीक है। कुछ महीनों में ये देखिए, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये सुंदरता के पीछे, चमकने वाली चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, ठीक है। अभी तक इनकी एनर्जी ये थी कि अपनी लाइफ में कुछ जैसे चमकीली चीज़ें या भड़कते तड़कते ऐसे कामों के पीछे या फिर शो ऑफ के पीछे भाग रहे थे। लेकिन मैंने जैसे कहा था आपको कि यस, ये इंसान ने, इस इंसान को आपने बहुत व्यवहारिक ज्ञान दिया है, कहीं ना कहीं ये व्यवहारिक तौर पर आपको समझ चुके हैं, ठीक है। आप जो कहते हैं इसको डेफिनेटली इन्होंने ये सोचा है कि ये रियलिटी है, जो आप कहते हो रियलिटी है। कहीं ना कहीं आपकी बातें इन पर असर कर रही है और ये आप ग्लिटर चीज़ों के पीछे भागना बंद कर रहे हैं। चमकने वाली चीज़ें, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, ये सोच रहे हैं, ठीक है। आप इनके लिए बिल्कुल प्योर हार्ट हो, ठीक है, आप में कोई चमक नहीं, आप ओरिजिनल हो डेफिनेटली। ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आने वाले टाइम में आपका इनका रिश्ता बरकरार इसलिए रहेगा कि एक तो आपकी चमक डेफिनेटली आप में ओरिजिनल चमक है, आप खरा सोना हो, कोई भी बनावटीपन आप में नहीं है, जो बोलते हो बिल्कुल ट्रूथफुल बोलते हो, ठीक है। इस तरह से आपकी एनर्जी आ रही है, तो ये आपके लिए इसी तरह की बातें सोचेंगे। आपके रिलेशनशिप में ग्लिटर के पीछे यानी कि चमक धमक सुंदरता और जैसे कहते हैं दिखावे के पीछे भागना बंद करके इनको आपके प्रति ट्रस्ट रहेगा और आपको एक चमकीली चीज़ नहीं बल्कि खरा सोना समझेंगे। यहाँ पे कुछ बातों के लिए अपने आप से क्वेश्चन करेंगे कि इनकी वैल्यूज़ क्या है, आपके प्रति इनका जो प्यार है उसमें क्या मॉरल वैल्यूज़ है, क्या रिलेशनशिप को किस तरह से रखा जाना चाहिए, इनको क्या पसंद है, इनकी डिज़ायर्स आपके साथ क्या है, इस तरह के सवाल अपने आप से पूछा करेंगे। और डेफिनेटली टू बी फेयर, ये सच्चाई के साथ ऑथेंटिसिटी के साथ चलना चाहते हैं आपके साथ। जैसे कि मैंने कहा अब ये चमकीली चीज़ों के पीछे भागना बंद करें, तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली टू बी फेयर रहेंगे, यानी कि बिल्कुल आपके साथ जैसे कहते हैं ना बैलेंस करके रहेंगे। आपकी बातें इन पे असर कर रही है, तो यस ही आपको जस्टिस देंगे। ऐसा नहीं है कि कोई कमिटेड रिलेशनशिप में, मुझे थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी दिखाई दे रही है लेकिन आपसे कोई कमिट करेगा ऐसा नहीं कहती, लेकिन बहुत से लोगों के लिए यहाँ कमिटेड रिलेशनशिप भी है क्योंकि यहाँ पे जस्टिस जैसी एनर्जी है, ठीक है। ये आपसे चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं। टू बी फेयर ये का मतलब ही होता है कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट, आपका प्यार और आपके साथ जो है ना रिश्ता बरकरार रखना चाहते हैं। अब ये सबके लिए डिफर करेंगे क्योंकि आपके लिए डेफिनेटली इनके मन में जस्टिस है, आपको प्यार, आपके साथ जो प्यार वाली फीलिंग्स है वो सच्ची और जेन्युइन है, कोई फ्लर्ट नहीं कर रहा आपके साथ। इस तरह से आपके साथ चलेंगे और चीज़ें बैलेंस करके चलेंगे। कहीं ना कहीं आपको कमिट भी करना चाहते हैं, कुछ लोग यहाँ पे कमिटमेंट भी देंगे लेकिन कुछ लोग कमिटमेंट नहीं, तो कहीं ना कहीं आपके साथ सपोर्ट चाहेंगे आपका, आपको जैसे कहते हैं ना फ्रेंड्स विद बेनिफिट, यानी कि कहीं ना कहीं आपको मतलब जो सपोर्ट करना, आप इनको सपोर्ट करो। लाइफ में क्या होता है, अगर कोई इंसान ऐसा मिल जाए जो कि वाकई में हमको चाहता है और वाकई में हम उसका सपोर्ट पाते हैं, तो हम दुनिया में कुछ भी करने के लिए या बड़ा कुछ करने के लिए रेडी रहते हैं। यानी कि हमें हिम्मत और ताकत आ जाती है कि हमारे साथ कोई ऐसा इंसान है जिससे हमको वाकई में हिम्मत और ताकत मिलती है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, एक दोस्ती सबसे बड़ा ऐसा रिश्ता है जिसको हम मतलब जैसे बॉन्ड नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है कि ये इंसान आपके रिश्ते को इस तरह से ही समझेगा कि आपका जो भी रिलेशनशिप है उसमें एक ऐसा गहरा बॉन्ड बनाएगा जिससे कि आपका रिलेशनशिप बहुत पुख्ता है। यहाँ पे देखिए, नो प्लेस लाइक होम, इनको ये लगता है कि इनकी परिस्थितियों में, इनकी स्थितियों में आप ही फिट होने लायक हो, ठीक है, और कोई इनकी परिस्थितियों में फिट होने लायक ही नहीं। आप इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो और कुछ बातें आपसे इतनी मिलती है कि ये आपको घर जैसे फीलिंग आती है। आप इनको ये आपको कई बार बोल भी चुके हों कि आप मेरा घर हो, आप मेरे घर जैसे हो, ठीक है, आप में घर जैसे फीलिंग आती है। आपसे कोई कनेक्शन ऐसा जुड़ा है जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लेकिन बहुत सारी बातें इनको ऐसा लगता है कि आप ही इनके परफेक्ट पार्टनर हो, जैसे किसी ने आपसे कमिट पहले से ही किया हुआ है, ठीक है। ये कोई स्पिरिचुअल जर्नी या स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे यहाँ पे लगता है जिससे इनको पीस मिलता है। आपके साथ क्या होगा आगे रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा लगता है कि एक राइट टाइम पे, राइट वक्त पे आप इनको मिले हो और इनको आपसे पीस मिला है, ठीक है। इनको आगे कैसे चलना है बिल्कुल क्लियर विजन रहेंगे आप दोनों के माइंड में एक दूसरे के लिए बिल्कुल क्लियरिटी रहेगी। आप एक दूसरे पे ट्रस्ट कर पाओगे। आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, यह सीजनल रहेगा आपका, डेफिनेटली इन एंड आउट रहेगा आपके रिलेशनशिप में सीजनल तौर पे, यानी कि हर चीज़ टाइम पे टाइम होती जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे से पीस फील होगा, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप बहुत ही गहरा होगा और बहुत अच्छा और स्ट्रांग बनता जाएगा, लेकिन एक लिमिटेशंस और इन एंड आउट एनर्जी में, ठीक है। यानी कि आपके मतलब कंटिन्यू रहे, मतलब जैसे कहते हैं ना कि
हाउ आई एक्सप्लेन यू, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका रिलेशनशिप रहेगा आगे तक, लेकिन इसमें इन एंड आउट आप दोनों ही रहोगे, ठीक है? क्योंकि एनर्जीज मुझे यह बता रही है कि बहुत से लोग यहाँ पे कमिटेड नहीं हैं एक दूसरे से और ना कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे एनर्जी में आपसे पीस, मतलब आपको क्लियर रहेगा एक दूसरे के बारे में, ट्रस्ट आप कर पाओगे और आपके साथ एक दूसरे को पीस मिलेगा, ठीक है? तो इस तरह का रिलेशनशिप आपका रहेगा और यही आपका फ्यूचर है इनके साथ, ठीक है? और जाते जाते इनके कुछ मैसेजेस ज़रूर लूँगी जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, वो क्या हैं, कैसे हैं, आपको इस रिलेशनशिप से क्या मिल सकता है, ठीक है? ये सारी बातें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो कौन है। थोड़े से एट्रीब्यूट्स ले लेते हैं आज। वेट अ सेकेंड गाइस। तो देखिए मैंने ऐसे एट्रीब्यूट्स निकाले हैं, मैं जो भी हाथ में आएगा वो आपको बताऊंगी, ठीक है? तो चलिए सबसे पहला यहाँ से निकालते हैं। कौन है ये इंसान? काइट्स, क्रिकेट, स्विम इनको पसंद होगा, ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं। ये कौन सा लोई वाला? ब्राउन आइज़, ब्राउन फेयर कलर, ब्राउन आइज़ फेयर कलर, ओके। इनकी ब्राउन आइज़ होगी और बहुत सुंदर या फेयर कलर होगा इनका, ठीक है? ये इनके नाम के इनिशियल हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स, ठीक है? और कुछ लेते हैं। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर का साइन होना चाहिए, ठीक है? स्टार साइन आए हैं। राउंड फेस, नॉर्मल हाइट, ठीक है? एक और लूँगी मैं बस लास्ट, ओके। क्रिएटिव वर्क, कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क आप लोग कर रहे हैं, ठीक है? आपको इस रिलेशनशिप से क्या आशा है, क्या मिल सकता है, क्या हो सकता है आगे, ठीक है? चलिए देखते हैं कुछ स्पिरिचुअल मैसेजेस, देखते हैं आपके लिए क्या आता है, ओके। सबसे पहले आपको रिलेशनशिप से क्या मिल सकता है? न्यू जॉब। तो मुझे ऐसा लगता है किसी की नई जॉब लगने वाली है इस रिलेशनशिप के बाद या इस रिलेशनशिप को पाके। न्यू प्रोफेशन, यस, किसी का धंधा पानी नया शुरू हो सकता है। और ये एक जंप हो क्या है, गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, यस, बहुत जरूर, बहुत जल्द आपको कोई गुड न्यूज़ आएगी क्योंकि यहाँ पे ये जंप हो गया है कार्ड, ठीक है? न्यू हाउस, कोई न्यू हाउस खरीद रहा है आपके लिए, ठीक है? वाओ। और क्या, स्टार साइन, आप स्टार की तरह चमकोगे, ठीक है? और क्या है, विश फुलफिल, वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए, आपको इस रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ अच्छा मिलेगा। और इनके मैसेजेस हम देखेंगे आज, कुछ मैसेज लूँगी जो कि सॉन्ग के जरिए होंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं आपके लिए कौन सा मैसेज है। बहुत सारे सॉन्ग हैं यहाँ पे, सिर्फ 2 सॉन्ग सुनेंगे हम जो कि हो सकता है आपसे मिले, ठीक है? नहीं मिले, ये वाला कौन सा सॉन्ग है? दिल है कि मानता नहीं ये बेकरारी, ये वाला सॉन्ग है गाइस। मेरी राग बहुत अच्छी नहीं है, एक और लूँगी मैं। चलिए शफल कर लेते हैं, पहले आगे पीछे कर लेते हैं, उसके बाद चलिए देखते हैं, ये वाला ले लेते हैं। तू है वही दिल जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ही जीना तेरे बिन है फना। बहुत प्यारा सॉन्ग है, वन ऑफ माय फेवरेट है, ठीक है? तो आज के रीडिंग में बस इतना ही। ये सॉन्ग कहीं ना कहीं आपसे मैच करते हों, आपसे कोई ना कोई मैसेज इनमें ज़रूर होगा, ठीक है? तो आपको लाइक करना है और सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है, ठीक है? तो रीडिंग कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट्स देना है, ठीक है? और यस, किसी ने मुझे पूछा था कि आप कब लाइव आओगे, ठीक है? गाइज़ अभी मैं लाइव नहीं आऊँगी, ठीक है? आपको थोड़ा सा वेट और करना है, उसके बाद ज़रूर लाइव आऊँगी, ठीक है? तो चलिए आज की रीडिंग में बस इतना ही, नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज़। थैंक यू सो मच, बाय बाय।